नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों से जहां मौसम बदलने के साथ ही दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, तो वहीं आज फिर से तीखी धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को फिर से पसीने छूटने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने के साथ ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना जताई गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विवादित बयान काफी चर्चाओं में रहते हैं। पहले शिक्षिकाओं तो उनके बाद शिक्षकों पर दिए गए विवादित बयान के बाद एक बार फिर से मदन दिलावर का एक बयान काफी चर्चाओं में है। अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में जन सुनवाई के दौरान दिलावर लोगों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान जब एक व्यक्ति ने बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत की तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नसीहत दे डाली कि बिजली बंद कर दो, बिल कम आएगा, जिसके बाद मदन दिलावर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर हैं। उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 और सलूम्बर से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 84 से बाप की ओर से अनिल कटारा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं सलूम्बर से जितेश कटारा पर भरोसा जताया गया है। जितेश ने 2023 में भी बाप के लिए चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, अगर कांग्रेस बाप को समर्थन देती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। एसआई भर्ती रद्द नहीं करवाने की मांग को लेकर ट्रेनी एसआई के परिजन लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले जहां किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर धरना दिया तो वहीं शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में परिजनों ने पहुंचकर सीएम भजन लाल तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। वहीं आज परिजनों ने प्रथम पूज्य गणेश जी से भी गुहार लगाते हुए नजर आए। आज बड़ी संख्या में सुबह सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर परिजनों ने भगवान से अरदास लगाई। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिषेक शर्मा ने दंडवत करते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से सरकार से मांग की थी कि शिक्षकों की ड्यूटी पारियों के अनुसार लगाई जाए, जिनसे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ कई चरणों में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 2 पारी में 2 चरण की परीक्षा कराई जाती है, जिसके चलते शिक्षक की ड्यूटी पूरे दिन होने से परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब भजनलाल सरकार ने इन शिक्षकों को राहत दी है। पेपर लीक के आरोपियों की धरपकड़ के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते आज पूरे प्रदेश में एसओजी की टीमों की धरपकड़ कार्रवाई जारी रही। एसआई भर्ती और ईओआरओ भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की रडार पर रहे लोगों की तलाश में एसओजी ने कई ठिकानों पर छापामारी की। इस दौरान एसओजी की टीम ने बीकानेर में छापामारी करते हुए 7 लोगों को डिटेन किया। इसके साथ ही अजमेर में 3 संदिग्धों को भी एसओजी ने डिटेन किया। जंक्शन के वार्ड 49 में नवनिर्मित ग्रीन पार्क का लोकार्पण शनिवार को विधायक गणेश राज बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर परिषद की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्क में घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंच, जिम, बच्चों के खेलने के लिए झूले, लाइट, घास में पानी लगाने के लिए सब सम्मेलन सहित अन्य सुविधाओं से लैस है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक मीडिया इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि उनके बेटे ने एक कॉकरोच भी नहीं मारा है, जिसके बाद विश्नोई समाज सलीम खान से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार को जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि यह बयान देकर सलमान खान और उसका परिवार दूसरी बार विश्नोई समाज का गुनहगार बन गया है। सलीम खान के मुताबिक पुलिस, वन विभाग, चश्मदीद गवाह सब झूठे हैं। हिरण शिकार का कोई केस झूठा केस बना सकता है। राजस्थान में भले ही मानसून का मौसम थम गया हो, लेकिन इसके बावजूद कोटा शहर के आबादी क्षेत्रों की ओर से वन्य जीवों के आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी शिक्षा नगरी कोटा के प्रसिद्ध शिवपुरी धाम मंदिर परिसर में अचानक एक विशाल मगरमच्छ पहुंच गया। मंदिर परिसर में अचानक मगरमच्छ को देखने के लिए दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वहीं शिवपुरी धाम मंदिर के सेवादारों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और काफी देर तक मगरमच्छ को पकड़ने की मशक्कत की। आखिरकार 1 घंटे के बाद 8 फीट लंबे और करीब 1 क्विंटल वाले भारी मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया।
दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शुक्रवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद रात करीब 1:20 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 9196 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट में 189 यात्री सवार थे, जिन्हें डिबार्क करते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे प्लेन की जांच की। हालांकि इस तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 5 वापस फ्लाइट को उड़ान भरने की क्लियरेंस दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।